बस अभी पहुंच चुके हैं वो ये डैम की तरफ। तो गाइस ये रहा कुछ डैम का व्यू ऐसा, भाई साहब बिल्कुल लहरें चल रही हैं हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। एंड आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे कमरे से, ठीक है। एंड अभी जो है हम जाएंगे खटीमा, तो जो है मामा की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है तो उनको देखने, एंड देखते हैं कैसे हैं मामा, दिखाते हैं आपको, ठीक है। हॉस्पिटल में एडमिट है तो देखने जाएंगे अभी, हाल समाचार लेने, ठीक है। फिर उसके बाद जाएंगे थोड़ा घूमने, देखते हैं घूमते हैं या नहीं, पूरा पक्का नहीं है घूमेंगे क्या, पता आ जाए, ठीक है। एंड मम्मी हो गई रेडी, मम्मी एंड मानवी भी हो गई रेडी, वो है बाहर, दादी को जो है चिल्ला रही है, ठीक है। मिलते हैं जाने के टाइम। तो गाइस कार में जो है हम बैठ गए एंड मस्त भजन वाले गाने चल रहे हैं। और ये चेक करो भाई, पूरा पानी भर गया ऊपर तक, अंदर है ये भाई, पूरा भर गया है, पानी हो गया बिल्कुल, पौध भी छुप गई है, ऐसा पानी भरा है। तो गाइस अभी हम निकले हैं चूड़ी लेने के लिए मम्मी के लिए, ठीक है। एंड पापा गए हैं अपने काम से, ठीक है, मानवी को लेके। एंड गाइस चूड़ी वगैरह जो है ले ली है, एंड अब चलते हैं पापा की कार के पास। पापा पता नहीं लैपटॉप में कुछ सही करवाने गए, ठीक है। गाइस पूरा नदी की तरह हो गया है सुजारगंज में, यहाँ पौध लगी हुई नहीं, खुल वैसी नॉर्मल जमीन थी, ठीक है। और क्या से क्या हो गया देख सकते हो, इसी में नहा ले आते टाइम आपको दिखाएंगे जब वहां से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। तो गाइस हमने जो है खटीमा का टोल जो है क्रॉस कर लिया, एंड अभी हम एंटर कर चुके हैं शायद खटीमा सिटी, नहीं टनकपुर रोड खटीमा सिटी। अब कौन से में जाएंगे पता नहीं, हाईवे में ये तो टनकपुर रोड है, तो मामा ने तो बोला था टनकपुर रोड में हॉस्पिटल वो उधर है आगे। तो गाइस हम जो है हॉस्पिटल में पहुंच गए, गाइस ये रहे भैया, एंड ये नाना का हॉस्पिटल, ये रहे मामा बड़े ग्लूकोज बोलते हैं अरे यार कंफ्यूजन नहीं हो जाती कभी कभार, लग रही है दिखा दे जरा, इन्फॉर्मेशन। एंड यहाँ से कुछ बाहर का व्यू है, ब्लड क्यों हो गया आते ही छेड़छाड़ी करने लगा, घुमाते जाओ घुमाते जाओ उड़ते जाओ, हो गया बस। वो तो मैं बैठूंगा तभी हो जाएगा नीचे। तो अभी चलते हैं
बाइक पे। और ये आगे वाला कैसे टूट गई? ये प्राण से गिर गया था, स्टोरी नहीं देखी थी। हाँ वो तो देखी, ऐसी ही हालत करती है। वो वही तो ज्यादा पीछे तो मैं बैठा था। तो आपको लगी? तो आप कैसे बच गए? मुझे खरोंच भी नहीं आई। एंड अभी चलते हैं कुछ सामान वगैरह लेने मामा के लिए। अभी यहाँ पे रुके हैं समोसे लेने के लिए। ठीक है भैया, ले रहे हैं तो जो है ले लिए एक्स्ट्रा चटनी डलवाने के बाद। एंड चलते हैं, आते हैं यहाँ से जूस। ठीक है, और कहीं दुकान नहीं दिखी तो यही है दुकान चौराहे पे। खेरा थी चौराहे खड़ी में, चौराहे थी वो नकली वाला था। यहाँ पे बन रहा है जूस अनार का। सब्जी मंडी थी, सब्जी वाले ने, और ये कटहल चेक करो कितना बड़ा है। अब चले तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं वो ये डैम की तरफ। डैम की तरफ ठंडा कुछ यहाँ का व्यू, पूरा पानी मजा आ रहा है। डैम जाते हैं, दिखाते हैं आपको डैम की तरफ। पहुंच चुके हैं यहाँ पे एंड सब घूमने आए हैं देखने नीचे का नजारा। पूरे दरवाजे खुले हैं शायद, ये चेक करो भाई, ये वाला दरवाजा बंद है। पूरा दिखाता हूँ आपको वहाँ पे, ठीक है? मम्मी लोग जो वहाँ पे खड़ी हो गई, मैडम मैं दिखाता हूँ यहाँ से। नदी में नहाना मना है। बट मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, आपको पता है। लेकिन व्यू मस्त आ रहा है जो भी बोलो। देख लिया उन्होंने, अब चला एंड अब चलते हैं। चले चलते हैं सीढ़ी से, ऊंची सीढ़ी। देखिए उस पार का व्यू, ठीक है दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, बस
बाकी पानी चेक करो, पानी का लिहाज कितने पे? 690 पे। चल रहे हैं पापा, आ रहे हैं कार लेके। साइड का पानी देख सकते हो, तो गाइस अब चलते हैं घर। ये मत जा नीचे। तो गाइस अभी जो है हम घर पहुंच गए हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारा व्लॉग भी जो है एंड होता है। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में नई मस्ती के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye-bye.